अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैजान नजीब, मेरे साथ है फवाद आलम और बिलाल अशरफ एंड वी आर हियर विद जुबली मैच एनालिसिस। फवाद, उम्मीद यही कर रहे थे टूर्नामेंट की जब दो टॉप टीमें मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने आएंगी तो कुछ ऐसा ही मुकाबला होगा, बट दोनों बार लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को आउट क्लास कर दिया। टीमें अगर देखे जाएँ तो पूरे PSL में टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। यस, ये जो लाहौर और मुल्तान का मैच था, सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे जो पहला मैच हुआ था शायद वो वैसा ही होगा, लेकिन लाहौर अपने अलग ही जोन में खेल रहा है और लाहौर में खेल रहा है तो उनको एक एडवांटेज दे ज़रूर है। तो मुल्तान सुल्तान की हम जब पहले भी बात कर रहे थे कि वो अभी भी प्रेशर सिचुएशन में नहीं आया, तो अब देखें वो पहले 200 रन कर रहे थे क्योंकि वो पहले बैटिंग कर रहे थे तो वो 200 रन करने नहीं देते थे, लेकिन अब लाहौर ने क्या किया, कल टॉस जीता और उसने बैटिंग की। पहले ही होता सारी टीमें जो है टॉस जीत के फील्डिंग कर रही थी, लेकिन अगर देखा जाए क्योंकि लास्ट मैच में लाहौर के 53 पे 7 हो गए थे और उसके बाद उन्होंने 150 किए, फिर उन्होंने वो बनने नहीं दिए, तो आई थिंक अब टीमें ये भी देखेंगी कि पहले टॉस जीतें और बैटिंग करें। बिलाल, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के बारे में बात करेंगे। फ़खर जमान अर्ली इन द इनिंग्स आउट हो गए, फिर भी 180 का टारगेट बना दिया। कहीं ना कहीं जो वो एक डिस्कशन होता था कि फ़खर जमान पर ओवर डिपेंडेंस है, लेकिन अब जो है लग रहा है कि पूरी लाहौर कलंदर्स जो है वो एज ए यूनिट खेल रही है। अगर बैटिंग लाइनअप की भी बात करें, बिल्कुल फैजान, मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि जो टीमें एज ए टीम खेलेंगी एज वन यूनिट, और आप देख रहे हैं इवन लास्ट टाइम एक इनकी प्रीवियस गेम में हर किसी ने चिप इन किया था, तो और जैसे फवाद ने कहा कि भाई मुल्तान में ज़्यादा डिपेंडेंसी रिजवान पे होती है और टॉप ऑर्डर पे होती है या रूसो पे होती है, और अगर ये परफॉर्म नहीं करें तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इसी तरह लाहौर जो है जैसे सैम बिलिंग्स ने आके बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, सो ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क और वो नज़र आता है। और जो टीमें अभी तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं या अपनी लाइनअप सेट नहीं कर पा रही या ज़्यादा एज सिंगल हैंडेडली किसी एक दो प्लेयर पर डिपेंड करती हैं, वो आगे जाके भी स्ट्रगल करेंगी। एंड लाइक फवाद ऑल्सो सेड, लाहौर में मैचेस हो रहे हैं तो उनका मोराल जो है होम ग्राउंड में होम क्राउड के साथ वो भी काफ़ी हाई है। सो लाहौर हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स एंड अभी देखते हैं कि बाकी टीमें क्या रिमेनिंग जो मैचेस हैं उनमें अपने आप को पुल अप कर पाएंगी कि नहीं। फवाद, बिलाल ने एक बात की ओवर डिपेंडेंस ऑन रोसो एंड रिजवान, कल भी हमने कुछ ऐसा ही देखा कि जब रोसो ने परफॉर्म नहीं किया एंड रिजवान और शान का स्टार्ट भी कोई इतना तेज नहीं था, तो इस ओवर डिपेंडेंस से बचने के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं आगे मुल्तान सुल्तान्स की जर्नी? देखिए, आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट की बात की बिलाल भाई ने, अगर देखा जाए तो उन्होंने 3 नंबर कर ओसामा मीर को भेजा था, तो इस टाइम पे आ गया वो लोग कंफ्यूज, मुझे ऐसे क्यों लगे, मुझे समझ नहीं आया कि ये जो है एक्सपेरिमेंट करना क्या ज़रूरी था, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन तो बिल्कुल सेट है और अच्छी है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। बात सिर्फ इधर रिजवान की आती है, क्योंकि रिजवान जितना लंबा खेलेगा मुल्तान सुल्तान को उतना फ़ायदा होगा, अगर रिजवान जल्दी आउट होगा तो मुल्तान सुल्तान इसी तरह जो है फंसा रहेगा, चाहे उनके पास रोसो हो, चाहे वो मिलर हो, चाहे पोलार्ड हो, इवन आपने देखा होगा अनवर अली ने भी आके नीचे से आके छक्के मारे थे। बैटिंग लाइन उनकी बड़ी है लेकिन उनको साथ खिलाने वाला ज़रूर चाहिए, तो वो किरदार जो है ना रिजवान अदा करता है। एक एंकर रोल की बात कर रहे हैं फवाद के, एक एंकर रोल रिजवान को प्ले करना पड़ेगा। बिलाल, लाहौर कलंदर्स का ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कोई भी टारगेट सेट करेंगे तो वो डिफेंड कर लेंगे। उनकी बॉलिंग अटैक के बारे में अगर बात करें, कभी डेविड वीसे, कभी हारिस रऊफ, कभी शाहीन अफरीदी एंड देन राशिद खान, एवरीबडी इज जस्ट चिपिंग इन। ओके, सो फैजान, ऑफकोर्स मैं तो पहले से यही बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एक प्लेयर पर डिपेंड करते हैं, जैसे हमने देखा टीमें तो वो फॉल्टर कर रही हैं, बट आपने चिप इन करने की बात की तो वेदर विद द बैट और द बॉल द एंटायर टीम हैज़ बीन चिपिंग इन। एंड ऑफकोर्स राशिद पिक्ड अप 3 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स, ही इज़ वन ऑफ द टॉप बॉलर्स ऑफ T20 इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट एंड ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स विद द बैट, नीचे आके वो छक्के लगा देते हैं, चौके लगा देते हैं इन इज ओन स्टाइल। बट ऑफकोर्स लाइक आई सेड, यू नो, वेदर इट्स हारिस, शाहीन, वेदर इट्स फखर, इट्स सैम बिलिंग्स, इट्स राशिद, एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड आई थिंक दैट्स वॉट टीम वर्क इज। और इसी तरह जो टीमें एज ए टीम खेलेंगी, चाहे वो फील्डिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है, वही टॉप पे जाएंगे और जीतेंगे। वेल फवाद, फाइनल वर्ड्स फॉर मुल्तान सुल्तान्स, किस तरीके से आगे जर्नी देख रहे हैं, बिकॉज आपने जैसे कहा कि अब उनका टेस्ट हो रहा है रियल में। मुल्तान सुल्तान की जहाँ तक बात है, आपको पता है बड़ी टीम है और प्लेयर्स सारे के सारे बड़े हैं, होता है अप एंड डाउन होता है, वो चलता है प्लेयर्स के साथ, कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन वो खेलते हैं एज अ टीम है, सो होपफुली हमें आगे अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेंगी। यस, होपिंग के एज अ टीम खेले और एज अ यूनिट खेले, वही उनके लिए रिजल्ट्स जनरेट करेगा। आज के जुबली मैच एनालिसिस में इतना ही, वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।